राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधा रानी रान्नाघर। फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी पनीर पातोड़ी। मैं पनीर पातोड़ी बनाऊंगी। देखिए, मैंने थोड़ी सी पनीर लिया है। पनीर मैंने घर पे ही मेड किया है। पनीर को मैंने आपको पहले ही एक वीडियो पे मैंने कैसे पनीर बनते हैं घर पे वो दिखाया था। और लिया है मैंने पत्ते दिए। मैंने पम्पकिन का पत्ता लिया है। आप चाहे तो और भी पत्ते ले सकते हैं, जैसे कि गोट के पत्ते, कोचू के पत्ते। मैंने पाया पम्पकिन का पत्ता लिया है। आप कद्दू के पत्ते भी ले सकते हैं। और मैंने मसाला में लिया है हल्दी, धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर और लाल मिर्ची, नमक और ऑयल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ पनीर पातोड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले मैं पत्ते को थोड़ी सी नमक मिला के इसको सॉफ्ट कर लेती हूँ। नहीं तो पत्ते देखिए कैसे होते हैं, वो थोड़ी सी नमक मिलाने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी नमक मिलाया और मैं इसे 5 मिनट के लिए रख दूंगी नमक मिला के। अब मैं पनीर को रेडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पनीर लिया है। थोड़ी सी मैंने पनीर लिया है। इसके साथ मैं मसाला ऐड कर लूँगी। लिया है 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर, 4/3 जीरा का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची भी यूज करूँगी। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। और नमक थोड़ी सी, क्योंकि पत्ते में मैंने नमक मिलाया है, इसलिए यहाँ थोड़ी सी नमक मिलाऊंगी। नमक भी अपना अपना स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छी तरह से पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, पनीर रेडी हो गया है। अब इसमें को हम पत्ते में, देखिए पत्ते वही नमक लगाने के बाद पत्ते सॉफ्ट हो गया है। देखिए, अब मैं पत्ते को थोड़ी सी ऐसे करके पानी को बाहर निकाल लिया। अब हम पत्ते को एक एक करके यहाँ पे ऐसे रखेंगे। आपको जो भी पत्ते पसंद है वो भी ले सकते हैं। मैंने पम्पकिन का लिया है। आप गोट का भी ले सकते हैं, और करकल का जो पत्ता है, करकल का पत्ता भी ले सकते हैं, और कोचू का पत्ता भी ले सकते हैं। आपको जो पसंद है वो ही पत्ता ले। मैंने है पम्पकिन का पत्ता लिया है। अब मैं पनीर को ऐसे करके इसके अंदर रखूंगी। फिर मैं पत्ते को इसे फोल्ड कर दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता इसे पत्ते को मैंने फोल्ड कर लिया है। देखिए, मैंने पत्ते को ऐसे, आपको जैसे आपको इजी हो वैसे ही फोल्ड करना। देखिए, मैंने सारे पत्ते फोल्ड कर लिया है।
कर लेती हूँ। गाइस कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब मैं कढ़ाई पे जो पनीर पत्तूरी रेडी किया है वो हल्की फ्लेम में फ्राई करना है, हल्की फ्लेम से फ्राई करने से स्वाद बहुत ही अच्छे आते हैं और बहुत जलेगा भी नहीं, थोड़ी सी टाइम लगेगा लेकिन अच्छे होगा। गाइस अब देखिए थोड़ी सी फ्राई हो रही है, अब इसे मैं ऐसे करके पलट देती हूँ, हम पलट देते हैं, हल्की हल्की फ्लेम से सफाई करना है, टाइम लगता है गाइस अच्छे खाने में बनाने के लिए, जो टाइम तो देना ही पड़ता है, हल्की हल्की फ्लेम से इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब मैं इसे पलट देती हूँ और फिर इसे फ्राई करती हूँ। सबको थोड़ी सी और इसे पकने देते हैं और फ्राई होने देते हैं। हो गया है रेडी, हो गया है पनीर पत्तूरी। अब मैं थोड़ी फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, अब ये अच्छी तरह से पक जाएगा। हो गए फ्राई हो गए हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और अंदर जो पत्ते के अंदर जो पनीर है वो भी अच्छी तरह से पक गया। बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, और इसे हम कढ़ाई से उतार लेते हैं। वह है पनीर पत्तूरी, मचमचा है कुरकुरे हल्के फ्लेम से फ्राई करने से है मचमचा और कुरकुरे होते हैं। फ्रेंड्स रेडी हो गया है पनीर पत्तूरी। फ्रेंड्स आपको इस रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स करना। हरे कृष्णा, थैंक यू।